मैं गिर गया, हाय मैं गिर गई। आबशार जैसे नहीं चल रही होती तो वैसे पानी आ रहा है, और ये आ रहा है मेरे रूम से। ओ शिट यार, तो जितना मैं निकाल सकता था उतना मैंने निकाल दिया। हाय वे, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो अभी तकरीबन जुमा पढ़ के मैं अभी आया ही हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉगिंग जो है रेगुलरली नहीं कर रहा, तो काफ़ी हफ्ते बाद करता हूँ या जब कोई अच्छा मौका आता है तो तब करता हूँ। वजह यह है कि वजूहत तो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक दो वजूहत जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो उनमें से एक जो वजह है तो वो ये वजह यह है कि आजकल जो लोड शेडिंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से ब्लॉग तो मैं कर लूँगा, वो उसकी टेंशन नहीं है। एडिटिंग की टेंशन होगी, फिर बाद में उसे अपलोडिंग की टेंशन होगी, तो वो सारा मसला होता है क्योंकि टाइम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लेती है एडिटिंग, तो बिजली इतनी देर टिकती नहीं है। तो इस वजह से जो ब्लॉगिंग मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी, जो वैसे भी ना थोड़ी सी लाइफ जो है वो इस तरह की है कि ज़्यादा बोरिंग सी है, ज़्यादा मैं कर ही रहता हूँ और काम वगैरह काम ही करता हूँ, तो इसलिए जो है ब्लॉग मैं थोड़े से कम डाल रहा था। तो कहीं वैसे एक रिक्वेस्ट है, तो वो तो वैसे मैं हर ब्लॉग के आखिर में करता हूँ, तो अभी स्टार्ट भी करने लगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, क्योंकि मुझे तकरीबन एक साल होने वाला है तो मेरे सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है। तो मैं देखता हूँ जब कोई डकी भाई, उसका भाई मुनीब जो है, तो वो चैनल स्टार्ट करता है तो रातों रात ही 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो वो अलहदा बात है कि उनका कंटेंट क्या है, क्या बाकी उनका कंटेंट अच्छा होता है नहीं होता, इस बात में जाते नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं होता या बहुत अच्छा होता, मैं कहता ही नहीं कुछ नहीं होता, तो मुझे भी पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा। अभी जी मैं बाहर जाने लगा तो बाइक लेके, और नवीन भाई जो है तो उनकी पानी वाली कैन लेके आनी। अभी वैसे जो हवा है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ, तो कल रात वैसे बारिश भी हुई थी, तो आज जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली है, बड़ा अच्छा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। बादल भी जो है अभी हैं लेकिन बारिश वाले नहीं है, वैसे ही हैं। तो नबी भाई जो है वो भी बाहर निकल चुके हैं कह लेके, तो मैं बाइक अपनी जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ। गोलगप्पे खिला दे हैं, खाने ली है और खाने वाले गोलगप्पे होंगे। तो ये नहर का हाल देखें, तो पानी सारा तकरीबन बन गया हुआ, तो ये कितना गंदा पानी है यार। बच्चे जो मेरा ख्याल है वो मछलियां वगैरह पकड़ रहे हैं, तो पक्का नहीं पता मुझे, लग तो रहती है वो मछलियां पकड़ रहे हैं। मछलियां है वा? अच्छा मैं गिर गया, हाय मैं गिर गई। राजा साहब ये मुझे क्या प्या दिया, मैं तो गिर गई। ओके अल्लाह भाई। हाँ जी गाइस, तो तकरीबन घंटे की नैप लेने के बाद जी मैं उठ चुका हूँ, तो अभी जो अपनी गाड़ी है वो बाहर निकालने लगा हूँ। तो गाड़ी जो है तो अबू ने सुबह ही अभी साफ की है, क्योंकि रात आंधी काफी ज्यादा आई थी, तो गाड़ी के ऊपर मिट्टी काफी ज्यादा थी, तो कपड़ा नहीं डाला हुआ था, तो अबू ने साफ करके ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो अभी जो है मैं गाड़ी बाहर निकालने लगा हूँ। अभी मैं आ गया हूँ गांव, तो गांव में यहाँ पे कब्रस्तान हमारे पीछे ही, तो ये हमारा भाई कब्रस्तान, तो यहाँ पे आया था दुआ करने के लिए, आज फ्राइडे तो यहाँ पे अभी दुआ करके तो वापस ही जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मौसम है तो वो बहुत ज्यादा प्यारा आपको नजर आ रहा होगा, मेरे बैकग्राउंड में बादल आए हुए हैं, हवा काफी ज्यादा प्यारी हवा चल रही है और हर तरफ खुली फिजा, खुली खुली फिजा, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहाँ पे सामने जो है लड़के गाँव के, तो वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और कबड्डी वगैरह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे फसलों पे काम भी किया जा रहा है, हर बंदा अपने अपने काम लगा हुआ है, तो काफी ज्यादा प्यारा मौसम हुआ है। अभी यहाँ से दूध लेना है, तो क्योंकि हम गांव से दूध लेते हैं अपना, शहर से नहीं लेते, गांव से अच्छा दूध मिल जाता है, खालस मिल जाता है और अच्छे रेट पे मिल जाता है,
और गांव भी हमारा शहर के तकरीबन पास पास ही है, क्योंकि गांव को जो रोड आती है वो कारपेट रोड है, तो आना जाना आसान है, तो इसलिए हम गांव से दूर लेते हैं। गांव भी आए हैं तो मौसम बहुत ज्यादा प्यारा, तो अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह वापस चलेंगे। अभी जो है बादल भी गर्जना शुरू हो चुका है, तो अभी पता नहीं कब जो है वो बारिश हो जाए, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान आया था तो एक छींटा मेरे यहाँ पे पड़ा है, लेकिन अभी जो है बादल गरज रहा है, तो दो मरतबा तो गरज चुका है। अभी ब्लॉक किया तो पता नहीं गरजेगा कि नहीं गरजेगा, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि बारिश हो। और यहाँ पे एक कच्ची सड़क है तो यहाँ से जाना भी मुश्किल हो जाएगा, और कीचड़ है तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इससे पहले मैं जाता हूँ अभी। तो जो बारिश है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये गर्मियों की तकरीबन तीसरी बारिश होगी। हाँ तीसरी, एक कल रात हुई है, एक पहले हो गई थी, तो अभी जो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम जाने लगे हैं वापस। घर भी पहुंच गए, तो यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो सड़कों पे पानी वगैरह खड़ा हो चुका है, तो अभी जो गाड़ी वो अंदर कर लेते हैं। जी गए, बारिश हुई है तो ये काम भी होना था, तो कमरे में जो है पानी दाखिल हो चुका है। लो जी, ओए होए होए, सारा कमरा पानी से भर चुका है, तो मुझे पानी सारा निकालना पड़ेगा। नहीं, बच गया, बच गया, बच गया है, थोड़ी सी सही है, यहाँ से इधर तक है, तो ये अभी निकाल देते हैं पानी यहाँ से। बस सिर्फ इतनी सी जगह में जो है पानी है, बाकी थोड़ी लगता है बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो बारिश पानी जो है वो कम आया अंदर, तो ये निकाल देता हूँ इसका कोई नहीं। तो वैसे बारिश जो है दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और काफी ज्यादा तेज हो गया, तो मेरे रूम में दोबारा जो है पानी चला जाएगा, और जो लाइट है वो भी चली गई है, और बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, तो मेरा रूम में पहले कम पानी गया था, अब ज्यादा पानी जाएगा, और ऊपर जो बादल वगैरह भी गरज रहे हैं, ओए होए होए, क्या ही मौसम बना हुआ है यार। तो ये जी मेरी छतरी ये खुल चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, तो चूजों को जो है मैंने पानी वगैरह डाला नहीं है, ना दाने वगैरह डाला, क्योंकि मैं तो चला गया था गाँव, तो इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, तो मैं जाके चूजों को ना पानी वगैरह डालूँ। और यहाँ पे ये देखें, चेक करें, आबशार जैसे नहीं चल रही होती, तो वैसे पानी आ रहा है, और ये आ रहा है मेरे रूम से, ओह शिट यार। अभी मैंने अपने रूम में वो देखे, चेक करें, पानी पानी हो चुका है मेरा सारा रूम, तो ये कैसे आबशार जैसे नहीं चल रही होती, वैसे पानी आ रहा है, और सारा रूम जो है पानी 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 हो चुका है, सारा भर चुका है पानी के साथ, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। तो मेरा कंप्यूटर बच जाए, हाँ नहीं डूबा तो नहीं है, वैसे बच जाए तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो मेरे रूम के अंदर दाखिल हो चुका है। बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी चलते हैं छत पे, तो वहाँ पे जाके चूजों को पानी वगैरह मैं डाल देता हूँ, और ये रूम में दोबारा जो वाइपर फेरना पड़ेगा, तो पहले तो थोड़ा सा था, अब जो सारा रूम ही मेरा खराब हो चुका है, सारा रूम। चले पहले ऊपर चले जाओ, मैं छत पे आ चुका हूँ, वो ये हम पे चारपाई पड़ी हुई है, तो बारिश बहुत तेज है और हवा भी काफी ज्यादा तेज चल रही है, और मैं भीग ही जाऊंगा मुझे लग रहा है, आधा तो मैं भीग चुका हूँ, तो बहुत ज्यादा तेज जो है हवा भी चल रही है, और बेचारे मेरे चूजों का पता नहीं क्या हाल होगा, तो अभी इन्हें देख लेते हैं बेचारे किस तरह बैठे हुए हैं सहमे सहमे से, तो अभी इनको ना मैं डाल देता हूँ पानी दाना। चूजों को जी मैंने पानी वगैरह डाल दिया, तो आधे से ज़्यादा जो है मैं भीग चुका हूँ, तो अभी लाइट भी नहीं है, तो लाइट आएगी तो फिर कमरे में से जो है पानी निकालेंगे रूम का, तो अभी चलते हैं फिलहाल नीचे। बारिश जो है तकरीबन वो थम चुकी है, तो बस अभी जो है थोड़ी सी ना हल्की वुल्की सी किरमन की वजह से हो रही है, और रूम का अब हाल देखें, तो ये लाइट नहीं आई, ये जनरेटर ऑन की है, तो अभी जो रूम से मैं पानी निकालने के लिए आया, तो पहले ये पानी सारा निकाल लूँ, सारा रूम तकरीबन पानी से मेरा ना भर चुका है, तो अभी से मैं पानी निकाल लूँ। मेरी तो हो गई है बस, पानी तो जितना मैं निकाल सकता था उतना मैंने निकाल दिया, तो अब जो थोड़ा सा रह गया तो वो मैं पंखा चला दूंगा, पंखे के साथ सूख जाएगा, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ये सूख ही जाएगा, तो जितना मैं निकाल सकता था उतना मैंने निकाल दिया। हाय वे, अभी तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, तो बारिश अभी तक फिर थमी नहीं है, दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम इतनी बारिश में छतरी साथ लेके तो अभी निकला है बाहर, और अभी थोड़ा सी चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो ले ली है, तो अभी घर वापस ही जा रहे हैं। माशाल्लाह बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप सड़कों का व्यू चेक करें, कैसे सड़कें जो है चमक रही हैं।
गए तो अभी बारिश जो है वो हल्की हो गई है, लेकिन हवा काफी ज्यादा तेज चली है, तो हमारी जो छतरी है तो वो भी एक मरतबा टूट चुकी है। अभी हम गुजारे लायक की हुई है, तो अभी हम घर ही जा रहे हैं और सड़कों का हाल चेक करें तो कितना पानी है सड़कों पे खड़ा हो चुका है। ये चेक करें सड़के भैया, पानी पानी हुआ पड़ा। और हमारा जो ये था ये भी गिर गया था, तो अभी उठा के दोबारा लेके आए हैं, तो अभी मुझे डर है कि पानी भी ना गिर जाए। तो इस सड़क पे काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है, तो अभी घर ही चलते हैं। छतरी का हाल चेक करें, यहाँ से फट चुकी है, यहाँ से टूट चुकी है, अच्छी तरह फट चुकी है और टूट भी चुकी है। तो फाइनली गाइस लाइट आ चुकी है, पूरे 4-4.5 घंटे के बाद जो है वो लाइट आ गई है। तो अभी जो है मैं व्लॉग जो है एडिट करने लगा हूँ, तो देखते हैं कब तक लाइट रहती है। अगर तो लाइट रही तो ये व्लॉग जो कल आ जाएगा, अगर ये लाइट ना रही तो फिर पता नहीं ये कब आएगा, अगले दिन आएगा या उससे अगले दिन आएगा। तो अभी देखते हैं, तो व्लॉग एडिट करते हैं। अगर आपका ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।